हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनीषा। तो दोस्तों, 30 सालों के बाद नजदीक आएंगे बुध और शनि। नए साल में तीन राशियों के घर पे खुशियां देगी दस्तक, धन लाभ की पूरी संभावना। जी हाँ दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में शनि और बुध की युति कुंभ राशि में होने जा रही है। ज्योतिष की माने तो ये युति लगभग 30 साल बाद बनेगी, जिससे कुछ राशियों का भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते दोस्तों वो भाग्यवान राशि कौन सी है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए नया साल बेहतरीन रहेगा। साल 2025 में आय के नए स्रोत मिलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। शेयर बाजार से जुड़े लोगों का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान किए निवेश से आपको फायदा होगा। बच्चों को पढ़ाई और करियर में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, इस वर्ष आपके लिए लाभी लाभ मिलने की संभावना बहुत है। तो दोस्तों, लाभ अवश्य उठेगा। तो दोस्तों, नंबर दो, मकर राशि। साल 2025 मकर राशि वाले जातकों के लिए खुशियां लेकर आएगा। इस वर्ष नए लोगों से मुलाकात होगी और आपके संबंध मजबूत बनेंगे। दोस्तों, लेखन, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय फायदेमंद रहेगा। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जी हां दोस्तों, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी। साल 2025 में किस्मत का साथ आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, शनि की कृपा से आपके बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, जो भी मौका अवसर आपको मिलता है उसका लाभ अवश्य उठाएगा। तो दोस्तों, नंबर तीन, कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नया साल लकी साबित होगा। इस साल आपको मान सम्मान मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा, कार्यस्थल पर तरक्की मिलेगी, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा, अविवाहित लोगों की शादी को प्रस्ताव मिल सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव के रियाजों के कारण जीवन में उन्नति और सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी अवसर मौका आपको मिलता है उसका फायदा अवश्य उठाएगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना, मौके पर चौका अवश्य लगाएगा। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।